मित्रों, मैं हूं सोनल टोपीवाला। नाई तू नारायणी कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में सुचेता सेठ, जो फैशन डिजाइनिंग में गोल्ड मेडलिस्ट है और साइकोलॉजी डॉक्टरेट इन काउंसलिंग है, आपका हमारे स्टूडियो में खूब खूब स्वागत है। थैंक यू सोनल जी। सुचेता जी, आपके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ी माहिती दीजिए। मैं सुचेता सेठ, फैशन डिजाइनर, गोल्ड मेडलिस्ट और डॉक्टरेट इन काउंसलिंग हूँ, और मैं लास्ट 4 साल से सोशल वर्क कर रही हूँ। फैशन के बारे में आप क्या कहोगे, कि फैशन सिर्फ कपड़ों से नहीं होती है, तो आपके, आप एक डिजाइनर हो, तो आपके हिसाब से फैशन क्या है? मेरे हिसाब से आज लोगों का मानना ये है कि हर दिन नई फैशन आती है। अगर अपने कुछ साल पुराने कपड़े पहन लें तो उसको फैशन नहीं कहते, बट मेरे हिसाब से कि द वे यू कैरी योरसेल्फ, आप किस तरह से अपने आप को कैरी करते हैं, आपको क्या सूट करता है वो आप पहने, तो भले ही आप 10 साल या 12 साल पुरानी चीज़ भी पहने तो वो फैशन ही कहलाएगी। एक फैशन डिजाइनर, गोल्ड मेडलिस्ट लड़की, साइकोलॉजी काउंसलिंग में जंप करने की वजह क्या है? इसकी वजह तो 4 साल पहले जब मुझे सेवा करने का मौका मिला, तो मैंने छायड़ो संस्था में, भरत भाई शाह वो मुझे बेटी मानते हैं, उनके साथ छायड़ो में पहले सेवा करनी स्टार्ट की। हमारी भोजनशाला है, उसमें मैं खाना भी बनाती थी, खिलाती भी थी और उनकी मदद करती थी जो वहाँ काम करते हैं। फिर अचानक से एक दिन बात निकली कि अपने कैंसर हॉस्पिटल में काउंसलर की ज़रूरत है, कोई काउंसलर टिकता नहीं है, क्योंकि लोगों का मानना, इंडियन मेंटालिटी ऐसी है कि काउंसलिंग क्या कर पाएगी। तो मैंने उनसे पूछा कि मैं वहाँ पे सेवा करूँ, तो उनने कहा कि ठीक है बेटा, करके देख ले। जब मैंने वहाँ सेवा शुरू की, पेशेंट्स को काउंसलिंग करना, तो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आया। तो एक बार मुझे डॉक्टर अमी शाह मिले, उनने बोला कि आप बिना पढ़ाई के इतनी अच्छी काउंसलिंग कर रहे हो, तो आप पढ़ो उसमें। तो मैंने 3 साल का डिग्री कोर्स की पढ़ाई की और डॉक्टरेट इन काउंसलिंग बनी। साइकोलॉजी काउंसलिंग वो होता क्या है? साइकोलॉजी मतलब क्या, एक इंसान के दिमाग को, साइकोलॉजी को जानना। और अपने इंडिया में कैसा, अगर उनको बताएंगे ना कि काउंसलर के पास जाना है या आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है, तो वो कहेंगे कि इनने तो हमको पागल समझ लिया है। बट आई डोंट थिंक कि पागलों को काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, हर जन को काउंसलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि अपने साइकोलॉजिकली, मेंटली कोई ना कोई चीज़ को लेके डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो पहले इंसान की साइकोलॉजी जानना और फिर उस पर काम करना। आपको नेशनल अवार्ड भी मिला है इसी फील्ड में, उसके बारे में क्या कहूँगी? हाँ जी, वो इस तरह से कि मैं, है ना, सेपरेशन केसेस में भी काउंसलिंग करती हूँ, कि मुझे लगे कि एक साइड भी, लड़का या लड़की वाले, उसको पॉजिटिव करना चाहते हैं, तो मैं फिर अलग अलग पार्टी को मिलके, फिर उनको एक साथ मिलके काउंसलिंग करती हूँ। तो मैंने 13 पॉजिटिव केसेस किए, तो मुझे अहमदाबाद में नेशनल अवार्ड मिला। ऐसा कोई केस जो आप कभी भी भूल नहीं पाओगे? हाँ जी, मेरा जो कैंसर पेशेंट का अनुभव है, उनमें एक विपुल भाई थे, उनको टंग कैंसर था। जब वो मुझे पहली बार मिले तो वो बोल भी नहीं पा रहे थे, वो लिख के दे रहे थे या इशारों से बात कर रहे थे, और वो बहुत रोने लगे। तो उनकी बीवी ने बताया कि ये स्टेज सिंगर थे और आज बोल भी नहीं पा रहे। तो मैंने उनको काउंसलिंग की और बताया कि कैसे आप बात कर सकते हैं, काफ़ी टेक्निक्स बताई, और फिर आज की तारीख में वो स्टेज पे गा पा रहे हैं। तो वो सबसे बड़ा एक्सपीरियंस मुझे ज़िंदगी भर याद रहेगा। आप उन लोगों से बात करती हो तो डेफिनेटली वो सब नेगेटिव वाइब्स लेके ही आपके पास आते हैं, तो आप वो कैसे एक्सेप्ट करती हो और उनको पूरा पॉजिटिव वे में ले जाते हो? एक्चुअली बेसिकली है ना, मैं बहुत सेंसिटिव पर्सन हूँ, तो कोई भी केस आता है ना, तो वो मुझे बहुत पर्सनली टच कर जाता है। बट मैं उसको इस तरह से लेती हूँ कि उनको देख के लगता है कि हम कितने लक्की हैं, कि दुनिया में सबको ही प्रॉब्लम है, बट उसका सल्यूशन कैसे निकाला जाए। फिर मैं उनसे पर्सनलाइज होके और उसको पॉजिटिव करने की ट्राई करती हूँ। ऐसी कोई मोमेंट, क्या आप कभी भी, आपकी, आप जब काउंसलिंग करती हो, आपको कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज आती हो, कुछ तो डिफ़िकल्टी आती ही होती, तो क्या होगी वो?
डिफ़िकल्टीज तो इस तरह से आती है, अगर आप स्टूडेंट काउंसलिंग लो, मेरे पास काफ़ी स्टूडेंट्स आते हैं कॉलेज गोइंग, वो बहुत डिप्रेशन में होते हैं, सुसाइड करने की ट्राई कर चुके होते हैं, तो डिफ़िकल्टी ऐसे आती है कि उनके पेरेंट्स अंदर से तो एक्सेप्ट करते हैं जो चीज़ मैं बोलती हूँ कि जैसे आपके बेटे को ये प्रॉब्लम है या आपकी बेटी को, बट वो एक्सेप्ट मेरे सामने नहीं करते कि नहीं ऐसा तो नहीं है मैडम, फिर वो बहुत डिफ़िकल्ट फेस होता है कि पहले अगर पेरेंट्स एक्सेप्ट करेंगे तो हम वो चीज़ पे वर्कआउट कर पाएंगे। तो वो एक मुझे है ना पेरेंट्स के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है यंगस्टर्स की, कि पेरेंट्स अंदर से जानते हैं हमारा बच्चा गलत है, तो आप क्यों नहीं उसको एक्सेप्ट करके सल्यूशन निकालने की ट्राई करते हो। आप सेपरेशन केसेस को किस तरह से हैंडल करते हो? वो इस तरह से मुझे लगता है कि जब है ना बात सेपरेशन पे आ जाती है ना, तो इंसान के ईगो पे आ जाती है, तो प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो साइड पे रह जाती है और ईगो बीच में आ जाता है कि इन्होंने हमसे डिवोर्स की मांग करी या इनने समाज में हमारी इज्जत उड़ा दी। तो वो जो दो जन होते हैं, लड़का लड़की या उनके बच्चे, वो सब चीज़ें तो साइड पे रह जाती है और ईगो आ जाता है। तो मैं उन पे फिर काउंसलिंग करती हूँ, उनको समझाती हूँ और फिर उनको पॉजिटिव करने की ट्राई करती हूँ। सुजेता जी, एक ऐसी लड़की जो फैशन डिजाइनर में गोल्ड मेडलिस्ट है, साइकोलॉजी काउंसलिंग है, उसके साथ वो अच्छी आर्ट एंड क्राफ्ट ट्रेनर भी है और अच्छे बच्चों को सिखाती भी है, उसके बारे में और ये आर्ट एंड क्राफ्ट से अब बहुत सारी संस्थाओं से जुड़ी हुए, किस तरह से आप काम करती हो उनके साथ? आर्ट एंड क्राफ्ट का शौक तो मुझे जब मैं बचपन में 8th स्टैंडर्ड में थी तब से है। 10th के एग्ज़ाम्स के बाद भी मैंने काफ़ी बच्चों को आर्ट एंड क्राफ्ट सिखाया था, वो भी फ्री में। और फिर जब मुझे ये सेवा का मौका मिला, तो जब मैं है ना स्पेशली एबल्ड बच्चों के स्कूल में गई, तो मुझे लगता है वो गरीब बच्चे नहीं हैं जो उनको खाना बांटा जाए या सामान दिया जाए, उनको क्यों ना ऐसी कला दी जाए कि उनको कमाने का मौका मिले। तो मैंने उनको आर्ट एंड क्राफ्ट सिखाना स्टार्ट किया और उनके साथ अभी तक 17 एग्जीबिशंस किए हैं, और हाल ही में दिसंबर में मेरी एक संस्था के बच्चे दुबई जा रहे हैं एग्जीबिशन करने। आप आर्ट और क्राफ्ट में क्या क्या सिखाती हो? मैं जैसे बैग्स, बॉक्सेस, तोरण मेकिंग, अलग अलग तरह की टोकरियां, डेकोरेशन, और फिर जैसे आजकल ट्रूजो पैकिंग का बहुत शौक है लोगों को, तो उनको वो अलग अलग पैकिंग सिखाती हूँ कि वो घर बैठ के लोग उनको दे जाएं, वो पैकिंग करें और पैसा कमा पाएं। आप कुछ सेवा कार्य में जुड़ना है, ऐसा विचार कैसे आया? बचपन से ही जब मेरे ग्रैंडफादर थे, अब तो वो नहीं हैं, तो वो है ना बहुत ज़्यादा सोशल वर्क करते थे, तो तब मन में इच्छा होती थी कि हम शायद कुछ कर पाएं उनको देख के। तो बस अब भगवान ने मौका दिया तो लास्ट 4 साल से मैं जुड़ी हुई हूँ। हमने ऐसा सुना है कि आप आर्ट और क्राफ्ट क्षेत्र के आगे बढ़ने के लिए, बच्चों को सिखाने के लिए धर्मपुर तक की संस्थाओं में भी आपने सेवा दी है। हाँ जी, अब तो मैं नहीं जाती, बट पास्ट में मैं लास्ट ईयर काफ़ी टाइम धर्मपुर में भी गई हूँ, वहाँ की लड़कियों को आर्ट एंड क्राफ्ट सिखाना कि उनको भी कमाने का जरिया मिले। हमने सुना है आपने आपने सलमान खान का जो डिजाइनर है उनके साथ भी अर्बन स्टेज में काम किया है, तो उसके बारे में आप क्या बताओगे हमारे दर्शकों को? हाँ जी, मैं एक्चुअली जहाँ से मैंने फैशन डिजाइनिंग किया है, तो मैं ऐसे ही एक बार वहाँ मैम को मिलने चली गई, तो उनने कहा कि तू बहुत सही मौके पे आई है, आ तो यहाँ पे सलमान खान का डिज़ाइनर जो है एशले रेबलो वो आने वाले हैं। तो फिर उनने कहा तू मीटिंग में बैठ, तुझे पता चलेगा। तो वहाँ पे ये डिस्कस हुआ कि अर्बन स्टिच करके एक नई फर्म खोलने वाले हैं, उसमें स्लम एरियाज की जो वुमेन हैं उनको सिर्फ सिलाई काम दिया जाएगा, हम डिज़ाइनर्स डिज़ाइन करेंगे और जब गारमेंट रेडी होगा तो उसका हम फैशन डिस्प्ले करेंगे दिल्ली मुंबई में, और जो उसका प्रॉफिट आएगा वो स्लम एरियाज की वुमेन में बांटा जाएगा। तो मुझे वहाँ उसी दिन वहाँ उसका वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया और मैंने उसमें भी 2 साल काम किया है। कैसा रहा आपका वहाँ का एक्सपीरियंस पूरा? बहुत अच्छा, एक्चुअली उनने ये काम बहुत अच्छा किया कि वहाँ की लेडीज़ को फ्री में मशीन दी गई और उनको यहाँ पे बुला के रखा गया और उनको स्टिचिंग सिखाई गई, और वहाँ की औरतों में इतनी फिनिशिंग है जो अपने यहाँ के टेलर्स में नहीं है, क्योंकि उनका पेशेंस लेवल बहुत हाई है। जो स्लम एरिया की वुमेन्स हैं उनमें बहुत पेशेंस है, वो धीरे धीरे आराम से बहुत अच्छी सिलाई काम कर सकती हैं। आप नारी सशक्तिकरण के बारे में महिलाओं को क्या कहना चाहते हो?
मैं महिलाओं को सिर्फ एक मैसेज देना चाहती हूँ कि कभी भी अपने आप को नीचा या वो नहीं समझें। मैन वुमेन कोई फर्क नहीं है, बस अपनी अंदर की जो अच्छी कला है, पॉजिटिविटी है, उसको बाहर निकाला जाए। प्लीज नेगेटिव से दूर रहें, क्योंकि हर एक की जिंदगी में तकलीफ तो है ही, बट तकलीफ से बाहर कैसे निकलना और लोगों के काम कैसे आना, उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। आपने हमारे दिव्यांग न्यूज दिव्यांग भवन और हमारे पद्मश्री कनुभाई टेलर से मुलाकात की, तो उनके बारे में आप क्या कहोगे? ये तो बहुत ही डिफिकल्ट को आंसर है देने के लिए, इसलिए कन्नू भाई के लिए तो मैं कुछ भी कहूँगी तो वो कम है, और उनके लिए कोई भी शब्द बोलना मेरे लिए गुनाह हो जाएगा, क्योंकि उन जैसा मैंने इंसान नहीं देखा जो खुद इतनी सब प्रॉब्लम्स में है, बट वो इतना ज़्यादा काम कर रहे हैं जो मैंने आज तक कभी किसी को करते हुए नहीं देखा। और वो लाइव टेलीकास्ट है, इधर बोलना तो बहुत आसान है कि मैं ऐसा करता हूँ या मैं ऐसा करती हूँ, बट यहाँ वो लाइव एग्जांपल है हमारे लिए कि जो कर रहे हैं, जो डिसेबल स्पेशली एबल्ड बच्चों को ट्रेनिंग देना, आगे बढ़ाना, उसके साथ वो उनको घूमने फिरने भी ले जाते हैं, खुद इतनी तकलीफ़ों में रह के भी ऐसे लोग बच्चों को आगे बढ़ाना और उनके लिए काम करना, वो बहुत बड़ा वो है, इसलिए उनका कोई कंपैरिजन नहीं है या उनके लिए कोई वर्ड नहीं है मेरे पास। अब हमारे दिव्यांग बच्चों के बारे में क्या कहोगे, हमारी संस्था के बारे में क्या कहोगे? मैं आपकी संस्था के बारे में यही कहूंगी कि ना यहाँ पे जो काम हो रहा है ना, उसके लिए कोई शब्द नहीं है, क्योंकि वो एक सीरियसली कोई ग्रेस है, कोई मेहरबानी है जो ऐसा काम इधर हो रहा है। लोग सोचते भी होंगे या छोटे स्केल पे करने की ट्राई करते होंगे, बट यहाँ पे साक्षात भगवान ने अपनी मेहरबानी करके यहाँ पे हो रहा है। यहाँ के बच्चे इतनी अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं, जब मैं देखती हूँ क्लासेस चल रहे होते हैं और बच्चे, जो हमारे बच्चे एजुकेशन लेते हैं, वही एजुकेशन यहाँ के बच्चों को मिल रही है, तो बहुत खुशी होती है। और जब पता चलता है बाबा से कि बच्चे यहाँ घूमने जा रहे हैं, मैं उनको वहाँ ले जा रहा हूँ, तो बहुत खुशी होती है कि इनको भी घूमने का, फिरने का और जीने का पूरा हक है। आप दिव्यांग न्यूज चैनल के माध्यम से यूथ को क्या संदेशा देना चाहते हो? मैं यूथ को यही संदेशा देना चाहती हूँ कि थोड़ा सा अपने जीवन में सॉफ्ट कॉर्नर लाया जाए और सेवा की ओर भी आगे बढ़ा जाए। आजकल के यूथ, आजकल की लाइफ बहुत फास्ट फॉरवर्ड है, उनकी लाइफ बहुत डिफरेंट है, वो गलत रास्ते बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, बट थोड़ा सा सेवा की और किसी ज़रूरतमंद के साथ अपना टाइम व्यतीत किया जाए, तब उनको एहसास होगा कि असली जीवन क्या है। आपका खूब खूब आभार सुचेता जी दिव्यांग न्यूज़ से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।